कि ना हमें ईवीएम चाहिए ना हमें वीवीपैट चाहिए, केवल और केवल बैलेट पेपर चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और बैलेट पेपर के अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये देश बुद्ध का देश है। अफसोस इस देश में आज की तारीख में भड़ुए और लुटेरे राज कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। और इस समय करीब आप मान के चलिए कि तकरीबन 24 से 25 घंटे हुए हैं, और 24 से 25 घंटे में ये फोन बिल्कुल भी एक पल के लिए भी बंद नहीं है। और आप अपनी आंखों से देखो और लोगों को दिखाओ, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, हर पल इस पर फोन आ रहे हैं, लोगों का रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है। दोस्तों जनवरी का महीना है और जनवरी की इस कड़कड़ाती हुई ठंड में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आंदोलन छेड़ दिया है ईवीएम मशीनों के खिलाफ। जहां एक तरफ उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं अब उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिस पर उनका दावा है कि सारे देश से उनके पास फोन कॉल्स आ रही हैं ईवीएम बैन कराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीनों के द्वारा नहीं होने देंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि तीन मतलब जो चुनाव नहीं होने देंगे ईवीएम को, तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं आप धमकी दे रहे चुनाव आयोग को। नहीं, धमकी नहीं है, हमारी सलाह है। इस देश की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, और हम देश की जनता की आवाज के साथ में खड़े हैं, जनता के साथ में खड़े हैं। और अगर जबरदस्ती ये चुनाव किया गया तो मैं कह रहा हूं आपको, इस देश की जनता इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। आप इसे धमकी मानो, इलेक्शन कमीशन इसे धमकी माने, इसको सलाह माने, हमारा आग्रह माने, हमारा निवेदन माने, जिसको जो मानना है, जो शब्द देना है वो दे, लेकिन यह निश्चित है कि इस बार इलेक्शन केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। क्या लोकसभा चुनाव जो होने को है उसमें थोड़ा ही वक्त बाकी है, इसके बीच में क्या ईवीएम बैन हो जा, क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ईवीएम की मशीन है, उन बंद पड़ी रहने दो उसमें जिसमें पड़ी है। बैलेट पेपर तो 10 दिन में छप जाता है भाई, ये थोड़ी है कि उसके लिए बैलेट पेपर करके कोई मशीन बनानी है। कुछ नहीं, रातों रात काम होते हैं इलेक्शन के, जो काम होते हैं बहुत वार स्केल पर होते हैं, रातों रात काम होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, किस चीज की कमी है इस देश में? किसी चीज की कमी नहीं है, सब लेकिन कुछ। सर आप तो इतने समय से आवाज उठा ही रहे हैं, इतने समय से अगर कुछ नहीं हुआ तो इतने कम महीनों में कैसे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है कि इतने समय से आवाज उठा रहे हैं तब नहीं हुआ और अब कुछ नहीं हो सकता। इतना समझे आप, जब हमने 2019 में आवाज उठानी शुरू करी थी 30 मई 2019 को, उसके बाद से लेके अब क्या आपको जमीन आसमान का अंतर नजर नहीं आ रहा? जब बड़ी मुश्किल से 100 में से 2-4 लोग होते थे जो बात ईवीएम की करते थे कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, पॉलिटिकल पार्टियां भी उस बात को कभी करती नहीं थी, आज तो पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार उठा रही हैं। अखिलेश यादव जी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें अब होने लगी हैं, और जनता का समर्थन, जनता जिस तरह से आवाज उठा रही है वो आपकी कल्पना के बाहर है। मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अपनी आंखों से देखिए। इलेक्शन कमीशन ने राज्यों का दौरा शुरू कर दिया, तो कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगा के वो जनता को डराने चाहेंगे, और आचार संहिता लग जाएगी तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, और जन आंदोलन जिस समय जनता खड़ी हो जाती है उसके सामने कुछ नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि सारी हलचल क्यों हो रही है और क्या होने वाला है। आचार संहिता लगने के बाद भी ये जन आंदोलन अब रुकेगा नहीं, और अगर जिद पर अड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिद पर अड़ी है सरकार, और जैसे लूट मचाती रही है अब तक उसकी वोटों की, जनता की वोटों की, वो इस बार भी करना चाहती है। मैं जानता हूं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम भी यही हैं और बाकी भी यही हैं। आमना सामना जो कुछ है जनता ही बता देगी। प्रताप जी आपके साथ में कुछ लोग और बैठे थे, वो दो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ईवीएम हटा, वो लोग कह रहे हैं कि जो ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट के अंदर जो ब्लैक चीट है वो हटा दो और उसकी पर्ची लेकर दे दो, वो हमें लगाकर दूसरे डिब्बे में डालेंगे। नहीं, दो बातें आपकी समझ से नहीं बैठती। दो बातें नहीं है हमारी, बिल्कुल एक ही बात है, नो ईवीएम नो वीवीपैट ओनली बैलेट पेपर, कोई ईवीएम नहीं कोई वीवीपैट नहीं, केवल केवल बैलेट पेपर। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात नहीं करी, उन्होंने दो रिपोर्टों की बात करी, एक जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट वीवीपैट एंड ईवीएम जो जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की है, उस रिपोर्ट का जिक्र किया,
और उन्होंने इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि पर्ची दे दो और उसे बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में डालने दो और उसकी गिनती करो, वो उनकी बात करें, वो अपनी बात नहीं कर रहे। हमारा कोई साथी किसी का भी उसमें कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई दो बात नहीं, केवल और केवल एक बात है कि ना हमें ईवीएम चाहिए ना हमें वीवीपैट चाहिए, केवल और केवल बैलेट पेपर चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होगा और बैलेट पेपर के अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप क्यों नहीं जाते उसके पास? किसके पास? चुनाव के पास हम तो गए थे ना, गिरफ्तार करा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो तो आमंत्रित कर रहा है। कौन आमंत्रित कर रहा है भाई? तुम्हारे पास नौता आया, मेरे पास तो नहीं आया नौता। देख कहे कि कौन इलेक्शन कमीशन है, कौन है? आपके इलेक्शन कमीशन के जो है वो तो पहरेदार लग रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के जो आप वकील लग रहे हैं, कौन है आप? उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है तो वो होता कौन है ये कहने वाला? हम उसकी बात पर विश्वास क्यों करें? ये देश बुद्ध का देश है। अफसोस इस देश में आज की तारीख में भड़ुए और लुटेरे राज कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन देश की जनता से क्यों नहीं कहता कि ये जो सिस्टम है वाकई में इस सिस्टम में अंधेरे में हम आपको रख रहे हैं, हम वो सिस्टम आपको देंगे कि जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी जान सके कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। और इलेक्शन कमीशन कहे कि हम आगे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, बहुत सीधी सी बात। सर आप लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं तो 2024 का चुनाव आप करेंगे, आचार संहिता लग जाएगी तब भी आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या फिर आप बाइकॉट करेंगे इलेक्शन का, क्या करेंगे? अरुण जी हमने आपको बता दिया, हमें जो भी समय पर सही प्रतीत होगा शांतिपूर्वक तरीके से पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम हर वो कदम उठाएंगे जो इस देश में ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोकेगा और बैलेट पेपर के चुनाव, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते आज कल क्या स्थिति होगी, कल जो स्थिति होगी उस समय देखेंगे, पूरी टीम तय करेगी, देश के लोग तय करेंगे। देखिए इस पर अब तक 5000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं और इस समय करीब आप मान के चलिए कि तकरीबन 24 से 25 घंटे हुए हैं और 24 से 25 घंटे में ये फोन बिल्कुल भी एक पल के लिए भी बंद नहीं है। रात चलते चलते थोड़ी देर के लिए बैटरी डाउन होगी तो जब जरूर बंद हो गया था, उसके बाद चार्ज करके और फिर ये लगातार चल रहा है। और आप अपनी आंखों से देखो और लोगों को दिखाओ, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, हर पल इस पर फोन आ रहे हैं, लोगों का रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त है। और ये जो मोबाइल फोन है, ये जो नंबर है, ये अब इस आंदोलन में जब तक चलता रहेगा, लोगों से अनुरोध है कि इस नंबर पर जो 9667722062 ये जो नंबर है मिस कॉल का, लगातार इस पर मिस कॉल करें ताकि देश की जनता भी जान ले, इलेक्शन कमीशन भी जान ले, इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी जान ले, तमाम संस्थाएं जान ले कि कितने बड़ी संख्या में लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। आप अपनी आंखों से देखिए, मेरे कहने की बात नहीं है, ये स्थिति है। सर डिजिटल समर्थन तो मिल गया है आपको, लगातार फोन आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितना समर्थन है, क्योंकि उसी के बाद चीजें हो पाएंगी अगर कुछ बदलाव हो। जमीन पर समर्थन आपको अपनी आंखों से दिखेगा, बस ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन इंतजार कीजिए, आपको सबसे ज्यादा समर्थन जो जमीन पर दिखेगा अपनी आंखों से आप रिकॉर्ड कीजिए। जो 25 तारीख को हमने कहा है कि 25 तारीख को 17 तारीख से सिग्नेचर कराने शुरू करेंगे, जो हमारा ज्ञापन हम राष्ट्रपति को देंगे, भिन्न भिन्न जो जिले हैं प्रदेशों के उन जिलों के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, उस दिन 17 से सिग्नेचर्स पे शुरू होंगे, 25 को वो ज्ञापन देंगे। आप अपनी आंखों से पूरे देश में जो जन समर्थन देखिए और इसके बाद जो जन समर्थन है वो आप अपनी आंखों से देखिए जब हम लोग बाकायदा रथ यात्रा लेकर निकलेंगे और हर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। अपनी आंखों से देखना, आप रिकॉर्ड करना, आप सब मेरी तरफ से आमंत्रित हैं, आप और आपके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के साथी इस देश भर में हैं सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी आंखों से देखो और इस देश के इलेक्शन कमीशन को दिखाओ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को दिखाओ और इस देश के जनता को दिखाओ कि जनता कितनी बड़ी संख्या में ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। तो दोस्तों ईवीएम का ये आंदोलन क्या रंग लेकर आता है ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा, क्योंकि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आंदोलन छेड़ दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ और ईवीएम मशीनों के खिलाफ और उनका दावा है कि ईवीएम मशीनों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो पाता है, वहीं चुनाव आयोग लोगों को यह समझा रहा है कि ईवीएम मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ईवीएम मशीनों से चुनाव होगा या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। तो दोस्तों अपनी आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी और एक नए मुद्दे के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें आप दीजिए इजाजत। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।